हमारी धरती के नजदीक जो तारा है वो हमारा सूर्य है, लेकिन सूर्य के बाद जो नजदीक तारा हमारी पृथ्वी से हमें दिखाई देता है उसका नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो कि हमारी धरती से 4.3 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। वैसे देखा जाए तो यह दूरी ज्यादा नहीं लगती, लेकिन अगर हम आज की टेक्नोलॉजी से इस तक पहुंचने की कोशिश करें तो हम इंसान अपने पूरे जीवन काल में इस तारे तक नहीं पहुंच सकते। भविष्य में अगर इंसानों को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किसी दूसरे ग्रह की जरूरत पड़ी तो उनकी सबसे पहली उम्मीद हमारा सोलर सिस्टम ही होगा। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में कुछ चंद्रमाओं को छोड़कर किसी भी बड़े ग्रह पर जीवन नहीं पनप सकता है। ऐसे में हम इंसानों को एक ऐसे ग्रह की तलाश में किसी दूसरे सोलर सिस्टम में जाना ही पड़ेगा जहां जीवन पनप सके। हमारे सबसे करीब स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी के पास एक ऐसा ग्रह है जो साइज में पृथ्वी के जितना ही बड़ा है, और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी आता है, जिसका नाम प्रॉक्सिमा बी है। और वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ग्रह पर जीवन पनप सकता है, लेकिन इस ग्रह पर पहुंचना हम इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि ये ग्रह हमसे 4.3 लाइट ईयर दूर है और हमारे पास अभी तक ऐसा कोई भी स्पेसक्राफ्ट नहीं है जो कि इस ग्रह तक पहुंच सके। यहां तक कि धरती से अंतरिक्ष के रहस्यों को खोलने के लिए जिन वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट्स को नासा ने 1977 में लॉन्च किया था, उनमें से एक वॉयेजर 1 पिछले 41 सालों से अनंत तक फैले अंतरिक्ष में सफर कर रहा है। अपने 41 सालों के सफर में वॉयेजर 1 सूर्य से 140 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आगे जा चुका है, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब है सूर्य से पृथ्वी की दूरी, जो कि लगभग 14,72,50,000 किलोमीटर होती है। लेकिन इन सब के बावजूद एक सवाल उठता है कि वॉयेजर 1 प्रॉक्सिमा बी तक पहुंचने में कितना समय लेगा, और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या वॉयेजर 1 प्रॉक्सिमा बी तक कभी पहुंच पाएगा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। हाल ही में 16 अक्टूबर को वॉयेजर 1 ने 22 अरब किलोमीटर का सफर पूरा किया है। वॉयेजर 1 अब हमारी धरती से 22 अरब किलोमीटर दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में किसी योद्धा की तरह आगे बढ़ता ही जा रहा है, और हम इंसानों को अंतरिक्ष के बारे में नई जानकारियां देता जा रहा है। ये अब हमसे इतनी दूर जा चुका है कि इसके भेजे गए डेटा को हम तक पहुंचने में 19 घंटों का समय लगता है। वॉयेजर 1 5 मार्च 1979 को जुपिटर, 12 नवंबर 1980 को सैटर्न और अगस्त 2012 में सोलर सिस्टम को पार कर गया। अब ये सोलर सिस्टम से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस की स्टडी करते हुए हर दिन धरती पर नए डेटा भेज रहा है, लेकिन आज से करीब 6 साल के बाद इसकी पावर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिसके बाद अंतरिक्ष का ये महान योद्धा फिर कभी धरती पर अपने डेटा नहीं भेजेगा। पावर को बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने काफ़ी कोशिशें की, जिसके लिए वॉयेजर 1 के 11 में से 7 इंस्ट्रूमेंट्स को बंद कर दिया गया, और अब ये केवल 4 इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अपना सफर जारी रखे हुए है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में वॉयेजर 1 इतनी भी पावर जनरेट नहीं कर पाएगा कि उसका एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट को भी ऑन रखा जा सके, इसलिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी बंद हो जाएंगे और वॉयेजर 1 इस अनंत तक फैले यूनिवर्स में कहीं खो जाएगा। 1972 में जब नासा वॉयेजर 1 को लॉन्च करने की योजना बना रहा था, उस वक्त ये मिशन इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में जानने के लिए नहीं था। ये मिशन उस वक्त केवल हमारे सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए था। नासा ने सारी प्लानिंग कर ली थी कि कैसे वॉयेजर 1 को लॉन्च किया जाना है और कैसे इसे दूसरे प्लैनेट्स के करीब से गुजारना है, लेकिन वैज्ञानिकों के सामने एक मुश्किल ये थी कि इसमें कितना फ्यूल यूज किया जाए कि कॉन्टैक्ट टूटने से पहले ये सारे प्लैनेट्स की जानकारी दे सके। स्पेस में आउटर प्लैनेट्स के स्टडी के लिए वॉयेजर 1 को काफ़ी लंबी यात्रा तय करनी थी, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्यूल साथ ले जाने की ज़रूरत थी, जो कि पॉसिबल नहीं था, और अगर कम फ्यूल के साथ भेजा जाता तो यात्रा पूरी होने से पहले ही फ्यूल के खत्म हो जाने से कॉन्टैक्ट टूटने का भी डर था। तो नासा ने बीच का रास्ता अपनाया, उसने स्पीड बढ़ाने के लिए प्लैनेट्स की ग्रेविटी का इस्तेमाल किया और कॉन्टैक्ट बनाए रखने के लिए फ्यूल का। इस योजना के बाद 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 को टाइटन 3E रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। शुरू में इसकी स्पीड नॉर्मल थी, जैसा कि हर रॉकेट की होती है,
और यही स्पीड 1979 तक चलती रही। लेकिन 1979 में ही जुपिटर की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके वॉयेजर 1 के स्पीड को बढ़ाया गया और अगले साल 1980 में दोबारा सैटर्न की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पीड को और बढ़ाया गया। इन दोनों प्लैनेट्स की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके स्पीड बढ़ाए जाने के बाद वॉयेजर 1 की स्पीड 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की हो गई थी, यानी कि 62,140 किलोमीटर प्रति घंटा। और तब से लेकर आज तक वॉयेजर 1 इसी स्पीड से लगातार हमसे दूर होता जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि इसे कितना और साल लगेगा प्रॉक्सिमा बी तक जाने में। तो इतनी ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद प्रॉक्सिमा बी तक जाने में वॉयेजर 1 को 73,000 साल लगेगा। और हमें ये भी नहीं पता है कि वाकई में वॉयेजर 1 दूसरे सोलर सिस्टम तक पहुंच पाएगा भी या नहीं, क्योंकि करीब 6 साल के बाद इससे हमारा संपर्क टूट जाएगा और सारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। इसलिए ये दूसरे सोलर सिस्टम तक पहुँच पाएगा या नहीं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन कंट्रोल पूरी तरह से खत्म होने से पहले वैज्ञानिक वॉयेजर 1 को इस तरह से मेंटेन करके छोड़ेंगे कि आने वाले कई सालों तक इसके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। इन सब के बावजूद 73,000 साल बहुत ही ज़्यादा समय होता है, और इस बीच अगर हम इंसानों ने खुद को खत्म ना कर लिया या हम आने वाले कुछ हजार सालों तक जिंदा रहें तो हम वॉयेजर 1 से पहले प्रॉक्सिमा बी तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि कुछ हजार सालों में हम लाइट की स्पीड हासिल ना कर सके तो क्या हुआ। ऐसे स्पेसक्राफ्ट जरूर बना लेंगे जो लाइट के आधी स्पीड से ट्रेवल कर सकें, और अगर हम ऐसे स्पेसक्राफ्ट लेकर वहां जाएंगे तो केवल 8 सालों में हम वहां पहुंच सकते हैं। और वैसे भी वॉयेजर 1 को किसी दूसरे सोलर सिस्टम तक जाने के लिए नहीं बनाया गया था, इसे तो सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स के स्टडी के लिए बनाया गया था, जिसे वॉयेजर 1 ने बखूबी अंजाम दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वॉयेजर 1 प्रॉक्सिमा बी तक पहुंच पाएगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं।